दो दफा जो है हैट्रिक से बच गया है कि यार हैट्रिक हो जाए। एक दफा आई है हमने कहा यार हैट्रिक हो जाए, दूसरी दफा आया हमने कहा यार अब हैट्रिक हो जाए, लेकिन दोनों दफा अनलकी ला। लेकिन दो दो दफा विकेटें इकट्ठी लेना ये नॉर्मल बात नहीं है भाई। मान गए हैं भाई बुमराह जो है वाकई वर्ल्ड क्लास, एक हाई क्लास, एक लेवल का बॉलर जो है वो। जानते हैं कि बुमराह एंड मोहम्मद आमिर क्या गुल खिलाएंगे 9 जून को। अस्सलाम वालेकुम सर, आज खेलेंगे बूम बूम बुमराह ने घुमा के। भाई उसने जो तबाही मचा दी है ना भाई, यकीन करें इतनी बेहतरीन बॉलिंग मैंने बुमराह की आईपीएल में पहली दफा देखी है। आज उसने दो दफा विकेट इकट्ठी ली है। आज दो दफा जो है हैट्रिक से बच गया है कि यार हैट्रिक हो जाए। एक दफा आई है हमने कहा यार हैट्रिक हो जाए, दूसरी दफा आया हमने कहा यार अब हैट्रिक हो जाए, लेकिन दोनों दफा अनलकी ला। लेकिन दो दफा विकेट इकट्ठी लेना ये नॉर्मल बात नहीं है भाई। मान गए हैं भाई बुमराह जो है वाकई वर्ल्ड क्लास, एक हाई क्लास, एक लेवल का बॉलर जो है वो इंडिया के पास है भाई। और अभी तो आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, तो वर्ल्ड कप के अंदर जो अभी इसकी फॉर्म चल रही है मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को रोक पाएगा, और ये इंडिया की जीत के अंदर अहम किरदार अदा करेगा। और मुझे तो अभी लग रहा है यार कि इंडिया क्या कर रहा है, इतना बेहतरीन आईपीएल, इतनी बेहतरीन लीग, हर बंदा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। स्काई ने क्या आज बेहतरीन कमबैक किया, कमबैक हो तो ऐसा हो यार कमाल मज़ा आ गया। आज मुंबई इंडियंस कमबैक करते हुए नजर आई है, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, ओ माय गॉड यार यकीन करें हम तो हैरान नहीं परेशान नहीं, पता नहीं क्या क्या हो रहा था एक ही टाइम में, समझ नहीं आ रही थी कि भाई क्या हो गया रहा है। आज मुंबई इंडियंस कौन सा जादू की छड़ी लेके आया है कि भाई एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, जो बंदा आया उसने अगले की इज्जत ही उतारी है, मतलब कि कमाल कर दे, मजा आ गया। बिल्कुल आपकी बात सही है, मुझे लग रहा है आज विराट कोहली की जैसे विकेट ली ना बुमराह की, तो विराट कोहली ने कहा होगा कि भाई जल रहा है, मेरा सीना तड़प रही है, मेरी रूह, कुछ ऐसा ही सीन होगा। नहीं भाई विराट कोहली के लिए रिस्पेक्ट है भाई, दोनों के लिए रिस्पेक्ट है भाई, कोई टेंशन नहीं है। विराट कोहली कोई बात नहीं आउट हो गया बुमराह से, लेकिन बाकियों की जो उन्होंने विकेट उठाई है दैट वाज भाई आउटस्टैंडिंग और अनबिलीवेबल था जो आज उसकी बॉलिंग थी। मैं तो हैरान था कि यार ये 4 ओवर बंदा करवा के तो 11-12 स्कोर दे के जाएगा, लेकिन एट दी एंड ओवर में थोड़ा सा एक तो चौका उसको लग गया, छक्का लग गया, लेकिन भाई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी उसकी। बिल्कुल आपने कहा है कि जी वर्ल्ड कप के अंदर बुमराह बड़े आउट क्लास नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ी सी मोहम्मद आमिर पे भी नजर डालते हैं, क्या ख्याल है आपका? ओ मोहम्मद आमिर भाई हमारे दिलों की जान है, धड़कन है, होपफुली कि वो वर्ल्ड कप में कमबैक करेगा और वाकई अपना कमबैक जिस तरह स्काई ने किया है उसी तरह जो है वो बॉलिंग में अपना करके दिखाए, कोई 10 स्कोर दे के जाए, 5-6 विकेट उड़ा के ले जाए, मजा भी रहेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, अब तो सही फाइफर देखने के मजे आएंगे वर्ल्ड कप के अंदर, एक तरफ बुमराह, दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर एंड विराट कोहली का सबसे बड़ा खतरा। बिल्कुल ऐसी 9 जून को जो टकराव होने वाला है ना भाई, दोनों टीमें बहुत तगड़ी हो गई हैं, अब जो मुकाबला देखने का मजा आएगा ना चस आ जाएगी। वालेकुम सलाम सर, आज जो बुमराह ने किया गुमराह और वो भी किया मुंबई इंडियंस की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं कि आज तो बुमराह फुल सेटिस्फाइड नजर आया फाइफर करने के बाद? जिस तरह बुमराह ने आज 5 विकेट लिए और पता लगा कि जैसे कोई शेर वापस आ गया, और आज जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस हुई है, पहले अगर हम बात करें ठाकुर ने फाइफर किया था, पर बुमराह ने बताया भाईजान आईपीएल के अंदर सिर्फ तुम ही अच्छे बॉलर नहीं हो और मैं बहुत अच्छा बॉलर हूँ और मैं बहुत सीनियर हूँ। जिस तरीके से आज उन्होंने परफॉर्म किया, इकट्ठी पहले 2 विकेटें ली, एक बॉल पर विकेट, अगली बॉल पर विकेट, फिर एक बॉल पर विकेट, अगली बॉल पर विकेट, दो दफ़ा वो हैट्रिक करते हुए बचे हैं, और जिस तरीके से आज उन्होंने परफॉर्म किया पता लग रहा था कोई जाइंट बॉलर खेल रहा है। बुमराह को ऐसे ही बूम बूम बुमराह नहीं कहा जाता, किसी वजह से कहा जाता है, और आज जिस तरीके से उन्होंने विकेटें उड़ाई हैं रोहित, और मैं उसकी बात करूं विराट कोहली की, विराट कोहली को उन्होंने सिर्फ 3 स्कोर करने दिया यार, 9 बॉल्स पे 3 स्कोर, और जाहिर ही बात है विराट कोहली को आज उन्होंने पढ़ने डाल दिया, बट आरसीबी को खतरा लाहक हो गया भाई जान। मैंने ईशान सॉरी श्रेयस अय्यर के लिए अब एक स्टेटमेंट देना चाहूंगी, उन्होंने कहा था कि हैं तो हम इंडियन टीम, लेकिन ना इंडियन टीम में हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब हम आईपीएल खेलते हैं तो अपने गुस्से अपना जज्बा उतारते हैं, कि जब हम बड़े किसी बैट्समैन की विकेट लेते हैं तो सोचिए बुमराह का क्या ही यार जुनून होगा। देखिए वो आपस में मुकाबलेबाजी करते हैं कि भाई हमने एक दूसरे को किस तरीके से परफॉर्मेंस बेहतर करके दिखानी है, ये वाला उनका मुकाबला होता है, पर आज जिस तरीके से बुमराह ने परफॉर्म करके दिखाया ना, तो मुझे ये लगा कि जैसे यार हमें कोई बहुत बुमराह वाली वो जो फॉर्म हम देख रहे थे जो इंडिया के मैचेस हो रहे थे दूसरी कंट्रीज के साथ, उस तरीके से बुमराह की परफॉर्मेंस जो वापस आई है, 5 विकेट लेना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म कर दिया है, और बुमराह एक लेजेंड प्लेयर है, आज उसने बताया कि भाईजान 9 जून के मैच की एक अलग ही कह लें कि पहचान बनती जा रही है, बिकॉज पाकिस्तान के लेजेंडरी बॉल फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं मोहम्मद आमिर बैक इन द स्क्वाड, और कह लें कि अब तो एक दुगना तिगना मुकाबला देखने को मिलेगा हम लोगों को, जहां पर ये फाइफर कर रहे हैं वहां पर मोहम्मद आमिर कह लें कि विराट
विराट कोहली के लिए एक बड़ा खतरा बन के दिखाई दे। विराट कोहली अपने मुंह से कह चुके हैं कि मुझे सबसे बड़ा खतरा मोहम्मद आमिर से है, तो जाहिर बात है आप जिस तरीके से बुमराह, मोहम्मद आमिर, ये जो कंपटीशन होने वाला है ना, वो कंपटीशन का असल मजा आने वाला है। पर आज एमआई ने ये बात साबित की है, हार्दिक पांड्या ने ये बात साबित किया है, मैं अपने वालिद साहब रोहित शर्मा की बात मानता रहूंगा, तो एमआई अच्छा परफॉर्म करती रहेगी और सारी टीम परफॉर्म करेगी। आज इससे सूर्या कुमार यादव वडा परफॉर्मेंस, बात करें ईशान किशन की वडा परफॉर्मेंस, मोहम्मद सिराज की रूह तड़प रही होगी। देखिए जाहिर बात है, पर वो भी अगले मैच में आप कहेंगे कि मैंने भी भाई वाइपर करना है, तो उन्होंने भी कर ही लेना वाइपर। बट आज जिस तरीके से एमआई ने हराया आरसीबी को, आज का बहुत बड़ा मैच था और बहुत ही मजा आया आज का मैच देखने का। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक है अल्लाह। आज बात करेंगे, बुमराह डेफिनेटली आईसीसी के रैंक नंबर वन बॉलर हमें नजर आते हैं, जिस तरह से आईपीएल के अंदर उन्होंने फाइफर किया, ये सेकंड फाइफर है 2024 की अगर बात की जाए, फाइव विकेट उन्होंने लिए, क्या कहना चाहते हैं? काफी तगड़े बॉलर्स है भारत प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल, काफ़ी तगड़े बॉलर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस दफ़ा जो है बुमराह ने 5 विकेट्स लिए हैं और आरसीबी को हराया विराट कोहली ने और उनकी टीम ने। इंडियन काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंसेज नज़र आती हैं, क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने बॉलर्स का कंपैरिजन कर दें अब बुमराह के साथ, या कह लें कि इंडियन टीम से, तो हमारे बॉलर्स कैसे हैं? अब उनसे अगर हम कम्पीट करें, आप उनके परफॉर्मेंस देख सकते हैं किस तरह की थी, उन्होंने 5 विकेटें ली हैं, तो उनकी अगर हम परफॉर्मेंस से कम्पीट करें तो जाहिर है मतलब हम लैक करते हैं काफ़ी सारे एरियाज़ में, तो हमें उन पर फोकस करने की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, हमारी टीम को 4 चांद लग गए हैं पाकिस्तानी टीम को। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फिर भी लोगों से सीखना चाहिए, हमारे कॉम्पिटिशन है बेशक, लेकिन हमें उनसे जो है उनकी चीज़ों से अडाप्ट करना चाहिए, उनका जो भी परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए हमें भी सीखना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर कोई फाइफर ले रहा है तो हमारी टीम में भी इतना तो रोब और दबदबा होना चाहिए कि वो भी फाइफर ले। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। क्या ख्याल है 9 जून को एक बड़ा टाकरा देखने को मिलने वाला है हमें, पाक भारत टाकरा, उसमें कह लें कि आमने सामने होंगे इंडिया पाकिस्तान की टीम्स, तो क्या गोल खेलने वाले हैं? मैं तो शुरू से ही बहुत एक्साइटेड रहता हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि मैं क्रिकेट का इतना शौकीन नहीं हूँ, मुझे सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया मैच के, लाइक मोस्ट आवाम मुझे उनका जो है सिर्फ देखना होता है, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं इंडियंस, तो हम लोग ये एक होता है कि हमारी एक यूनिटी हो जाती है, उसमें हमारी आपस में कोई इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन हमारी एक यूनिटी हो जाती है, एक गैदरिंग सी बन जाती है, हम लोग फ़ोन्स पे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, क्या स्टेटस शेयर कर रहे होते हैं, तो काफ़ी अच्छा सा एक एनवायरनमेंट बना होता है। आज ये जिस तरह मुंबई इंडियन ने बीट किया है आरसीबी को, रोहित शर्मा के काफ़ी चर्चे होते हैं कि बड़े अच्छे कप्तान वो नज़र आते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आज एक बार फिर से आरसीबी की, सॉरी मुंबई इंडियंस की दूसरी जीत आई है? रोहित शर्मा ने डेफिनेटली अपने आप को प्रूव किया, अपनी परफॉर्मेंस दिखा के, और प्रूव किया कि वो एक अच्छे कैप्टन जो है साबित हुए हैं टीम के लिए। थैंक यू सर। पाकिस्तानी आवाम की राय, आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।